सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं फिर से लेकर के आ गया हूँ अपने बाइक को। गाइज, मैं फिर से एक बार भूल गया, अपने बाइक की जो डिस्क पैड है वो घिस घिस के लोहा निकल गई भाई। मतलब बेड़ा गर्क हो चुका है इसका, और क्या ही बताऊँ। मतलब गाइज, ये इतना जल्दी घिस गया, मैं क्या बताऊँ। कुछ दिन पहले ही मैंने चेंज किया था इसको, कुछ किलोमीटर पहले ही। तो ये आउट ऑफ मार्केट से मैंने परचेस किया था, शायद इसलिए घिस गया होगा। लेकिन अभी मैं ओरिजिनल वाला परचेस करके लेके आया हूँ TVS सर्विस सेंटर से। तो ये जो है ओरिजिनल है, ठीक है, 100% ओरिजिनल है। इसका प्राइस 303 रुपीज़ के आसपास कुछ है। तो अभी मैं इसको जो है लगाऊंगा, मतलब इसको चेंज करूंगा। लगभग 49,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो मैं एक भैया के पास लेके आ गया हूँ अपने बाइक को इसको चेंज करने के लिए। तो चलिए देखते हैं भैया किस तरीके से इसको चेंज करते हैं। मैंने ट्राई किया गाइस घर पे, काफ़ी बार मैंने ट्राई किया, लेकिन वो खुल तो जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे कीज़ उसमें लगेंगे, ऐसे स्क्रूज खोलने थे कि मेरे पास वो नहीं थे औजार, इसलिए मैं लेकर के आया हूँ भैया के पास, जो भैया खोल रहे हैं इसको और चेंज करेंगे। जैसे इसका पुरानी वाली निकल जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी हालत क्या हो गई है। मैं पुराने वाला इसलिए लगाया था क्योंकि पुराने वाले से जो नॉइज़ आती है, ब्रेक की नॉइज़ आती है, वो नहीं आती है। तो नॉइज़ से तो छुटकारा मिल गया था, लेकिन वो बहुत ही जल्दी घिस गया था, और उसका ध्यान ही नहीं था कि इतना जल्दी घिस जाएगा। जो डिस्क है वो भी बहुत ही तेज घिस जा रहा था उसके वजह से, क्योंकि वो तो पूरा उसका मसाला ख़त्म हो गया था। अभी मैं बताऊंगा उसको कि क्या हालत है, उसको कैसे कितना दूर तक चेंज करना चाहिए, वो मैं सारा चीज़ें इसमें दिखाऊंगा। फटाफट से गाइस भैया को खोल लेने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को फास्ट एंड फॉरवर्ड में आपको दिखा देते हैं। तो गाइस, ये है पुरानी वाली डिस्क पैड की हालत। ओ भाई साहब, भाई देखो, कुछ और कुछ देर अगर चल जाती ना तो मेरा सत्यानाश हो जाता डिस्क का। तो गाइस, ये काफ़ी बुरी आदत है मेरी कि मैं लगाता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ हमेशा। हर चीज़ मुझे याद रहती है, लेकिन ये जो डिस्क पैड है इस बार मुझे याद नहीं थी, क्योंकि मैं आउट ऑफ मार्केट से परचेज़ किया था ना, जो सस्ती वाली थी। वो सस्ती नहीं थी लेकिन अच्छी ही थी, लेकिन वो काफ़ी जल्दी घिस गई, क्योंकि ओरिजिनल वाली जो है काफ़ी मजबूत होती है और सख्त होती है, तो वो घिसती नहीं है। लेकिन इस बार गाइज कुछ ज़्यादा ही घिस गई है, मसाला उसका पूरा का पूरा गायब हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो है भैया साफ़ कर रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि जो गंदा जम जाती है। अरे भाई, ये क्या हो गया। तो थोड़ा सा गाइज ब्रेक ऑयल निकल गई है, ब्रेक ऑयल थोड़ी सी निकल गई है, तो मुझे दोबारा फिल करनी होगी। जब ये पैड चेंज होती है तो थोड़ा सा ऑयल जो है निकलता ही है। और ये जो ऑयल है गाइस, काफ़ी बुरी ऑयल है, आप इसे कुछ भी कलर में ना लगने दें, क्योंकि ये जो है पूरा कलर को फेड कर देता है, ठीक है। गाइस, अभी जो है भैया ये नए वाले को ओपन कर रहे हैं, तो जैसे ही ओपन हो जाता है मैं आपको दिखाऊँगा कि जो लगाना है, जो हमें डिस्क पैड लगानी है, कब लगानी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, डिस्क पैड में एक निशान होती है, छोटा सा एक लकीर सा होता है पेंसिल का, उतना दूर तक लास्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर ये जाती है तो ये पूरा का पूरा ख़त्म है। तो भैया बहुत ही जल्दी में है लगता है, तो भैया फटाफट से लगा दे रहे हैं। पुरानी वाली का हालत देखो भाई, ओ भाई साहब, अभी कुछ दिन और रुक जाता तो पूरा लोहा भी घिस जाता। तो अभी भैया फटाफट से लगा दे रहे हैं, तो देखते हैं। अभी उसके बाद ब्रेक ऑयल का भी जो है फिल करना है, मेरे पास घर पे ऑलरेडी है। रियर वाली जो ब्रेक ऑयल था उसको मैं फिल किया था, तो उसका थोड़ा सा बचा हुआ था, तो उसी को मैं फिल करूँगा, ठीक है। तो फटाफट से इसको भी मैं फास्ट एंड फॉरवर्ड में आपको दिखाता हूँ कि भैया और किस तरीके से इसको लगा रहे हैं।
तो गाइज लग गई है हमारी ब्रेक पैड और लास्ट स्टेप में है भैया जी। और तो गाइज अभी जो है मैं लेके चलता हूँ इसको घर और ब्रेक ऑयल को फिल कर देता हूँ, फिर ये जो है परफेक्ट हो जाएगी। तो गाइज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।